हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम कद्दू की सब्जी बनाएंगे, हलवाई लोग जैसे शादियों में बनाते हैं। देखिए मैं ये कद्दू ले रखा है, आप देख सकते हैं ये कच्चा है। अब इसका हमें कुछ छिलका नहीं उतारना है, बिना छिलका उतारे ही इसकी हम सब्जी बनाएंगे। बहुत ही सब्जी अच्छी बनके तैयार होती है, शादियों में हलवाई लोग बनाते हैं कद्दू की सब्जी। देख रहे हैं हम ये कैसे दिख रहा है, एकदम कच्चा है, छोटा वाला है। अब इसका हम छिलका नहीं उतारेंगे, बस इसके अंदर का जो ये हिस्सा है बीज वाला, बस बीज वाला हमें निकाल देना है। ये जो डंठल वाला है ये हमें निकाल देना है। अब आपको हम दिखाते हैं इसका, हम डंठल वाला जो पार्ट है देखिए इसे हमने निकाल दिया है, चेक कर लिया जाए कि टाइट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अब इसे हम ऐसे ही करते हुए इसके बीज है निकाल देंगे, बीज की जरूरत नहीं हमें। देखिए हमने इसे निकाल दिया, थोड़ा सा बचा है साइड से, और इसे अच्छे से हमें निकाल देना है। देखिए हमने निकाल दिया इसे, अब आपको हम काट के इसको दिखाते हैं। देखिए इसे हमें बीच से ऐसे कर लेना है, देख सकते हैं आप चारों तरफ। देखिए अब इसे हम थाली में काट लेंगे इसे। देखिए हमने ये पीली राई ले रखी है, और हमने ये लहसुन और मिर्च इसे भी हम डाल देते हैं, इसमें जीरा डाल देंगे, जीरा डाल देते हैं। देखिए हमने ये जीरा डाल दिया, इन सब का हमको पेस्ट तैयार कर लेना है। देखिए अब इसे हमने धुल लिया है, आप देख सकते हैं हमने छिलका नहीं उतारा, छिलका हम नहीं उतारेंगे। और इसे वैसे इसे हमें छोटा छोटा ऐसे ही करके काट लेना है, दिखाते हैं आपको काट के कैसे हमें इसे काट के ले लेना है सब्जी के लिए। सब्जी ऐसे बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होती है, छिलका ना उतारे। हलवाई लोग शादियों में ऐसे ही बनाते हैं, आप देख सकते हैं, हम दिखाते हैं आपको पास, ऐसे ही बिना छिलका उतारे कद्दू की सब्जी ऐसे ही बनाएं। देखिए ऐसे ही सारा हम काट लेंगे अपनी कद्दू को। देखिए देखिए हमने इसे काट लिया है, अब देखिए पीस हमने कर लिया है। चलिए पहले हम इसे तड़का लगाते हैं। देखिए हमने पैन रख दिया है, हम चूल्हे को अपने ऑन कर देते हैं। अब इसमें डालेंगे हम सरसों का तेल, बस इतना ही हमें चाहिए, एक बड़ा चम्मच हमने सरसों का तेल डाल दिया। तेल गर्म होने पे हम जीरा डालेंगे, इसमें मेथी दाना डाल देते हैं इसमें। अब जीरा, ये हमने जीरा ले लिया, सौंफ हमने ये सौंफ डाल दिया। अब इन सबको हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद से हम अपनी प्याज डालेंगे। इसमें प्याज डाल देते हैं, प्याज डाल के हम सुनहरे होने तक अच्छे से अपनी प्याज को फ्राई करेंगे। देखिए हमने प्याज को डाल दिया, अब इसे हम चला देंगे अच्छे से, अच्छे से इसे हमें चला देना है कि अच्छे से ये तेल में मिल जाए। मिल जाएगा तो ये रहता है कि अच्छे से इसे मिला दिया जाता है तो ये अच्छे से ये फ्राई हो पाएगा। देखिए हल्का सुनहरा होने तक इसे हम फ्राई करेंगे ऐसे ही। देखिए हमने जो पेस्ट तैयार किया है, अब अपने इस पेस्ट को हम डाल देते हैं इसमें। अब डाल के इसे हमें अच्छे से इसको भूनना है, फ्राई मतलब अच्छे से इसे भून लेना है, इसका कच्चापन खत्म हो जाए। ऐसे करके बनाने से सब्जी का स्वाद बढ़ जाता है, सब्जी बहुत अच्छी लगती है। शादियों में हलवाई लोग ऐसे ही करके सब्जियां बनाया करते हैं। देखिए इसे ऐसे ही करते हुए हमें भून के अच्छे से तैयार करना है अपने मसाले को। चलिए इसी के साथ हम अपने सूखे मसाले डाल देते हैं कि इन मसालों के साथ हमारे मसाले भून जाएंगे। ये हमने हल्दी पाउडर ले लिया, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, और ये रहा गरम मसाला, ये हमारे मसाले पड़ गए। ये नमक डाल देते हैं। अब अच्छे से अपने मसालों को हम भूनेंगे, जितनी अच्छे से मसाले हमारे भूनेंगे उतने ही अच्छे हमारे सब्जी का स्वाद लगेगा। देखिए इसे हम चलाते हुए ऐसे ही अच्छे से भून लेंगे, जब तक ये तेल ना छोड़ने लगे हमारे मसाले। तेल छोड़ने लगेंगे तो मसाले हमारे अच्छे से भून चुके रहेंगे, इसलिए हमें ऐसे ही चलाते हुए अपने मसाले को भून के तैयार करना है। देखिए मसाले हमारे भून चुके हैं, कैसे मसालों से तेल निकलना स्टार्ट हो गया है। अब इस समय हम अपनी जो कद्दू को हमने काट के रखा है, अब इस कद्दू को हम डाल देंगे।
मसाले में अपने, देखिए हमने मसाले में इसे डाल दिया, अब इसे अच्छे से हम मिला देते हैं। इसे अच्छे से मिला देना है कि सारे कद्दू के मसाले अच्छे से लग जाए। देखिए ऐसे ही अच्छे से इसे हमें मिला के और सब्जी, देखिए इसे हमने अच्छे से मिला दिया। सर्दियों में सब्जी, हरी सब्जियां मिल रही हैं, कद्दू भी मतलब ताजे ताजे आ रहे हैं, इन सब का खाने का स्वादिष्ट कुछ और होता है, बहुत ही स्वादिष्ट बनके सर्दियों में हर तरह की सर्दियां स्टार्ट हो गई, सब्जियां मिलने स्टार्ट हो गए, ताजे ताजे सारी हर सब्जियां मिलने लगी, इसलिए सर्दियों में सब्जियों का स्वाद ही कुछ और होता है, हर तरह की सब्जियां मिलना स्टार्ट हो जाती है। देखिए हमने कद्दू को बातों बातों में देखिए कैसे हमने इसे सारे मसाले अच्छे से मिल गए। अब इसे हम ढक देंगे पतली के लिए, देखिए हमने इसे अच्छे से मिला दिया, अब इसे हम ढक देंगे। देखिए इसे हम चला देते हैं, इसे बीच बीच में हमें चलाते हुए अपनी सब्जी को पकाना है, ऐसे करने से जलेगी भी नहीं अच्छे से, हमारी सब्जी पक के तैयार भी होगी। अब देख सकते हैं कितना लाइट कलर दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। 5 मिनट हो गया है, फिर से वापस इसे हम ढक देते हैं। चलिए सब्जी को हम चेक कर लेते हैं, देखिए हमारी सब्जी पक रही है, 5 मिनट हो गया है पकते हुए, अभी इसे अच्छे से हम मिला देते हैं। देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है हमारी सब्जी का, अभी इसे अच्छे से हम मिला के फिर से वापस ढक देंगे। बीच बीच में ऐसे ही चलाते हुए हमें अपनी सब्जी को पका के तैयार करना है, छोड़ना नहीं है, नहीं छोड़ेंगे तो नीचे से पकड़ लेगा, खराब हो जाएगा, स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। देखिए अभी से वापस फिर से हम ढक दे रहे हैं इसको, देखिए बीच में इसे फिर से हम चेक कर लेते हैं। इसमें डालेंगे हरा धनिया, देखिए सब्जी हमारी 2 मिनट में तैयार हो जाएगी। अब इसमें हम हरा धनिया डाल के अब इसे अच्छे से हम चला के पकाएंगे। हरा धनिया डाल देने से स्वाद बहुत अच्छा आता है, इसलिए हरा धनिया डालना जरूरी है। अब इसमें हरा धनिया हम अभी डाल देते हैं इसे, कि ये भी साथ में धनिया भी हमारा जो है पक जाएगा। देखिए हमने लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला है, क्योंकि लाल मिर्च पाउडर जरूरी नहीं होता है, कलर के लिए डाला जाता है, तीखा जैसे ज्यादा खाया जा रहा है तो मतलब आप हरा मिर्च ही अधिक डाल लें, लाल मिर्च की जरूरत नहीं पड़ेगी, नुकसान करता है, इसलिए हमने लाल मिर्च पाउडर नहीं डाला, ना कश्मीरी लाल मिर्च डाला, इसलिए हमने उन सबको नहीं डाला है। देखिए अब इसे फिर से वापस हम ढक दे रहे हैं, ऐसे ही रख के हम कम पे पका रहे हैं सब्जी को, जितने कम पे ही रख के पकाएंगे उतनी अच्छी सब्जी बन के तैयार होती है, सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है सब्जी का। देखिए 15 मिनट हो गया, सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है, 15 मिनट लगा है हमारी सब्जी को पकने में। देखिए अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।